हेलो एवरीवन, टुडे वी आर डूइंग वर्कशीट नंबर 1 और पेज नंबर 94, चैप्टर नंबर 5। एज यू नो, चैप्टर नेम इज परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशन। देयर आर वर्ड्स प्रॉब्लम इन दिस वर्कशीट। द फर्स्ट क्वेश्चन इज गिवन टू यू। अ प्रॉपर्टी डीलर चार्जेस 2% कमीशन फ्रॉम अ बायर सेलर ऑफ प्रॉपर्टी। एक प्रॉपर्टी डीलर 2% कमीशन चार्ज करता है कोई भी प्रॉपर्टी अगर आप खरीदते हो या वो बेचते हो, तो वो 2% कमीशन चार्ज करता है। इफ़ मिस्टर रामलाल पेड ₹20,000 एज अ कमीशन फॉर परचेजिंग अ फ्लैट। अगर मिस्टर रामलाल ₹20,000 एक प्लॉट को परचेज करने के लिए ₹20,000 कमीशन पे करते हैं, व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ द फ्लैट। तो फ्लैट की वैल्यू कितनी है। बच्चे, इस क्वेश्चन में हमें ये बताया गया है कि 2% कमीशन जो है वो कितने रुपीस है, 20,000, ठीक है। और हमें फ्लैट की वैल्यू नहीं दी हुई, आपको फ्लैट की वैल्यू बतानी है। तो अब हमें फ्लैट की वैल्यू नहीं दी हुई, तो अब हम क्या करेंगे, फ्लैट की वैल्यू हम मान लेते हैं कि वो एक्स है, ठीक है। और कमीशन कितना है, 20,000, ठीक है। और ये 20,000 कमीशन जो है वो कितना है, 2%। 20,000 कमीशन जो है वो कितना है, प्रॉपर्टी जो टोटल प्रॉपर्टी की वैल्यू थी उसका 2% है। तो टोटल प्रॉपर्टी की वैल्यू तो एक्स है हमारे पास, तो 2% कितना हो जाएगा, इसको हम इक्वेशन बना लेते हैं। जो 2% ऑफ एक्स है वो कितना है, ₹20,000। तो 2% ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, 2/100। और ऑफ की वैल्यू आपको पता है मल्टीप्लाई होती है, और एक्स इज इक्वल टू ₹20,000। अब हमें सिर्फ x की वैल्यू बतानी है, ये हमारे पास अभी एक्स्ट्रा है, ठीक है। तो इस नंबर को हमने क्या करना है, दूसरी साइड में ले जाना है। तो यहाँ हमारे पास ओनली x हो जाएगा, और ये नंबर 2/100 जो है वो इस साइड में आकर क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। 2/100 का क्या बन जाएगा, 100/2 हो जाएगा। अब हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, और अब हम इसको कैंसिल कर देते हैं, 2 1 2, और ये क्या हो जाएगा, 10,000। अब क्या रह गया, 10,000 मल्टीप्लाई विद 100। 10,000 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10 लाख। कैसे आया, इसको हम ओरल मल्टीप्लिकेशन भी करते हैं। 1 2 3 4 5 6, 6 0 बन गई हमारे पास। तो 6 0 कैसे लगेंगी, 1 2 3, 3 डिजिट के बाद कोमा, 4 5, 2 डिजिट के बाद कोमा, और 1 6। तो टोटल 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा, और टोटल 10,000 को 100 से मल्टीप्लाई करके 10 लाख आ जाएगा। ₹10 लाख हमारी किसकी वैल्यू है, फ्लैट की वैल्यू है। वैल्यू ऑफ फ्लैट इज ₹10 लाख। ये हमारे पास आंसर हो जाएगा, राइट। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, किसके बराबर है, 2% ऑफ एक्स। जो फ्लैट की वैल्यू हमने एक्स मानी है उसका 2% कमीशन है, वो कितने रुपीस है, 20,000, ठीक है। तो हमें ये बताना है कि फ्लैट कितने का है, व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ द फ्लैट। तो बच्चे, अब हम इसे सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन हमें पता है 2% ऑफ एक्स कैसे सॉल्व करना है। 2% मीन्स 2/100। ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। एक्स इज इक्वल टू ₹20,000, ठीक है। तो अब हमें सिर्फ बताना क्या है, ओनली एक्स बताना है। तो ये हमारे पास एक्स्ट्रा है। अगर हम ये नंबर 2/100 को इधर ले जाएं, राइट हैंड साइड पर ले जाएं, लेफ्ट हैंड साइड पर ले जाएं, तो हमारे पास सिर्फ एक्स की वैल्यू रह जाएगी। एक्स इज इक्वल टू 20,000। अब बच्चे, ये जो आपकी वैल्यू जब हम दूसरी एक साइड से दूसरी साइड में चेंज करते हैं तो वो रेसिप्रोकल हो जाती है। 2/100 क्या बन जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये डिवाइड हो जाएगा। यहाँ हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 100/2 हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाता है इसमें, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, इसको अब इसको सॉल्व कर देते हैं।
टू वन्स आर टू, टू टेन्स आर 20,000. तो 10,000 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 10 lakhs आ जाएगा. तो दिस इज द वैल्यू ऑफ फ्लैट. तो ये फ्लैट की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 10 lakh. ये हमारा आंसर है. ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन. अ 3-star होटल इन दिल्ली चार्जेस 10% सेल टैक्स ऑन द प्राइस ऑफ फूड टेकन बाय मिस्टर सक्सेना एंड हिज फैमिली हैड फूड फॉर रुपीज 685. मिस्टर सक्सेना ने 685 रुपीज का फूड लिया और उसके ऊपर 10% सेल टैक्स दिया. बच्चे आप लोग होटल्स वगैरह में जाते खाना खाते हो तो ठीक है, तो आपको फूड की वैल्यू के साथ साथ टैक्स भी पे करना होता है. तो फूड की वैल्यू 685 रुपीस है और उसके ऊपर 10% टैक्स लगा है. तो ठीक है, तो आपको ये बताना है कि टोटल कितना अमाउंट उन्होंने पे किया मिस्टर सक्सेना ने खाना खाने के बाद. ठीक है, तो वैल्यू ऑफ फूड कितनी है, रुपीज 685 एज गिवन इन द क्वेश्चन. 685 रुपीज फूड उन्होंने परचेज किया और उसके ऊपर 10% टैक्स दिया. तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, मनी पेड एज ए टैक्स. सबसे पहले तो हमें ये बताना है कि कितनी मनी टैक्स पे की है. ठीक है, तो टैक्स अगर हमारे पास आ जाता है तो 685 का फूड लिया हमने और प्लस उसके अंदर हम टैक्स ऐड कर देंगे तो टोटल मनी जो हमने पेड की वो हमारी फाइंड आउट हो जाएगी. ठीक है, तो 10% ऑफ 685 हमें सबसे पहले निकालना है. तो क्या हो जाएगा, 10% कितना होता है, 10/100. ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 685. ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे. 10 ones are 10, 10 tens are 100 और ये हमारे पास क्या बन गया, 685/10. अब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 68 rupees 50 paise टैक्स मनी आ जाएगी. ठीक है, तो टोटल मनी निकालने के लिए 685 तो फूड वैल्यू है और 68 rupees 50 paise हमारा टैक्स है और टोटल दोनों को मिलाकर क्या बन जाएगा, 753 rupees 50 paise. ये आपको मनी उन्होंने मिस्टर सक्सेना ने पे की है. राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड. क्वेश्चन नंबर थर्ड में अ पेंटर पेंट्स 240 square feet ऑफ अ वॉल. एक पेंटर ने एक वॉल को 240 square feet पेंट किया है. इफ दिस इज 48% ऑफ द टोटल वॉल, अगर जो पेंटेड एरिया है वो सिर्फ 48% है तो बताओ व्हाट वाज द एरिया ऑफ द वॉल इन स्क्वायर फीट. तो वॉल का एरिया कितना है वो स्क्वायर फीट में बताना है आपको. ठीक है, हम यहाँ मैंने एक डायग्राम ड्रॉ कर किया आप लोगों को समझाने के लिए कि मान लेते हैं ये वॉल है जिसको हमने मान लिया कि एक्स वॉल है. टोटल वॉल हमें नहीं पता, टोटल एरिया नहीं पता, तो हमने इसको मान लिया कि एक्स है, वॉल की जो एरिया है एक्स है. और उन्होंने कहा कि 48% पेंट किया है. 48% जो पेंट किया है वो कितना एरिया है, 240 square feet. ठीक है, तो 240 square feet एरिया पेंट किया हुआ है और अब आपको ये बताना है कि टोटल एरिया कितना है. ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करना कैसे, लिखना कैसे है. लेट द एरिया ऑफ द वॉल इज एक्स स्क्वायर फीट. हम मान लेते हैं हमें नहीं पता कि वॉल का एरिया कितना है, हमने मान लिया एक्स स्क्वायर फीट है. ठीक है, और अब हमें ये बताया हुआ है जो 240 स्क्वायर फीट एरिया है वो कितना है, 48% है. ठीक है, तो इसको हमने क्या लिखना है, एरिया ऑफ पेंटेड वॉल 240 square meter और 48% जो वॉल का 48% है वो कितना है, 240 square meter. तो इसको क्या लिखेंगे, 48% ऑफ एक्स, एक्स के टोटल वॉल, टोटल वॉल का 48% कितना है, 240 square feet. अब हम इसको सॉल्व कर देते हैं तो क्या बन जाएगा, 48/100 मल्टीप्लाई एक्स इज इक्वल टू 240 square meter. अब हमें x की वैल्यू बतानी है और ये हमारे पास एक्स्ट्रा नंबर है 48/100, तो हम इसे दूसरी साइड में चेंज कर देंगे तो क्या बन जाएगा,
240 मल्टीप्लाई और दूसरी साइड में चेंज होकर क्या हो जाता है, 48 बाय 100 का क्या बन जाएगा, 100 बाय 48, ठीक है। तो 48 वन ज़ा 48, 48 फाइव ज़ा 240। आप इसको 2 के टेबल से भी कट कर सकते हो, 5 के टेबल से भी कर सकते हो। मैंने इसको डायरेक्ट कट कर दिया, 48 फाइव ज़ा 240 और 5 मल्टीप्लाई 100, 500 स्क्वेयर फीट इसका आंसर आ जाएगा, स्क्वेयर फीट नॉट मीटर, 500 स्क्वेयर फीट इसका टोटल वॉल का एरिया।